नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंदी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। सबसे पहले से आपको ग्राफ पे अपने बना लेना, फिर आपको इस तरह से अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेना। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैं एक कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से यहाँ। तो आपको बस यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, देखिए यहाँ पे हमें नीडल को निकालना है इस तरह से, और यहाँ से यहाँ लेकर ठीक यहाँ पे थोड़ा सा लाइन से यहाँ इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। फिर सेकंड रो में आएंगे, यहाँ पे सेम इसी तरीके से नीडल को निकालना है और यहाँ पे इस तरह से हमें डाउन कर लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे और अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। वन बाय वन करके बस हमें इसी तरह से हर लाइन को कंप्लीट करना है। ध्यान रखना है कि हमें एक ही डायरेक्शन में जाना है। जैसे अभी हम यहाँ निकालेंगे तो मेरा लाइन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे और मैंने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। फिर देखिए हमें यहाँ निकालना है, यानी एक डायरेक्शन में आपको जाना है यहाँ से यहाँ। देखिए इस तरह से, बस इस तरह से आप जो भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन है आपको इसी तरह से कंप्लीट करते जाना है। बस ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकालना है, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। बहुत इजी है, सिंपल है, बस आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है। देखिए इस तरह से बस हमें करते जाना है। ग्राफ से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकालना है और ग्राफ से हल्का सा देखिए इस तरह से पीछे हमें नीडल को डालना है। बस इसी तरह से हमें हर लाइन को करते जाना है। फिर अब हम नेक्स्ट यहाँ आएंगे, तो यहाँ से यहाँ जाना है और इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये इस साइड का भी हमें बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से हर लाइन को कंप्लीट कर लिया। अब हमें तो देखिए अब हमें यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है ग्राफ से थोड़ा सा आगे। अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अप एंड डाउन का, तो पहले हम यहाँ डाउन आएंगे, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। तो देखिए मेरा ग्राफ यही तक है, तो ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना है और नेक्स्ट वाले लाइन में निकालना है। तो यहाँ भी इसी तरह से, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो फिर से यहाँ पे हमें अप एंड डाउन करना है। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे ये मेरा अप है, तो ये पहला डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन,
ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट होना चाहिए, अगर यहाँ ये अप है तो यहाँ पे ये डाउन होना चाहिए। फिर हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो नेक्स्ट, अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले अप, क्योंकि यहाँ पे ये थ्रेड मेरा डाउन है, देखिए ये थ्रेड यहाँ डाउन है यानी कि यहाँ अप आएगा, तो फिर डाउन अप डाउन अप एंड डाउन करते हुए ऑल्टरनेट करना। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ पे ये थ्रेड अप है तो यहाँ डाउन होगा। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, बस आपको सेकेंड स्टेप में यही ध्यान देना है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए ये थ्रेड मेरा ये अप है और ये डाउन है, जब ये डाउन है तो यहाँ अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा। फिर हमें यहाँ पे नीडल को डालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए एक एक करके हमें लाइन बाय लाइन बनाते जाना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए ये मेरा यहाँ पे अप होगा, ये डाउन होगा, फिर ये अप होगा, तो यानी कि यहाँ अप डाउन अप डाउन अप डाउन। हमें राइट और लेफ्ट साइड का थ्रेड एक बार देख लेना है कि वो किस डायरेक्शन में, अगर ये अप है यानी यहाँ यहाँ डाउन होगा। फिर से हम यहाँ नीडल को यहाँ डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें इस रो में निकाल लेना है, और ध्यान रखना कि आपको थ्रेड को टाइट रखना। तो ये मेरा डाउन का थ्रेड है तो फिर यहाँ अप होगा, डाउन अप डाउन अप डाउन, ऑल्टरनेट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से डाउन करते हुए फिर से यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है, और यहाँ पे ये डाउन है तो यहाँ से अप डाउन अप डाउन अप, हर बार ऑल्टरनेट होना चाहिए। इसी तरह से फिर से हमें यहाँ पे डाउन करके नेक्स्ट रो में निकालेंगे, यहाँ भी सेम इसी तरीके से, यहाँ डाउन है तो यहाँ अप होगा, डाउन अप डाउन अप डाउन, बस एक ही चीज़ इसका आपको ध्यान रखना, अप एंड डाउन। तो देखिए इस तरह से फिर से हम नीडल को यहाँ डाल लेंगे और फिर हमें यहाँ पे इस वाले रो में निकालना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए आपका यहाँ डाउन है यानी कि ये अप होगा, फिर ये डाउन अप डाउन। एक बार आप इसके साइड का आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ अप करना है या डाउन। अगर यहाँ डाउन है तो यहाँ अप करेंगे और फिर यहाँ से अप एंड डाउन करते जाएंगे। फिर हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए अब हमें यहाँ पे निकाल लेना, देखिए इस तरह से, और फिर से इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करना। तो पहले अप फिर डाउन फिर अप डाउन अप डाउन, देखिए इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें ये दूसरा स्टेप भी कर लेना, बहुत सिंपल है, बस अप एंड डाउन का ध्यान रखना है। और ये एक बार अप तो एक बार डाउन, एक बार अप तो एक बार डाउन। तो बस इसी तरह से हमें देखिए हर लाइन को हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। सिर्फ आपको अप एंड डाउन का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे ये अप है तो यानी यहाँ डाउन होगा, फिर ये अप होगा, डाउन अप अप एंड डाउन करते हुए हमें नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना और फिर हम यहाँ पे आएंगे। बस इसी तरह से अप एंड डाउन इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ से लेके पूरा स्क्वायर बना लेना है। किस तरह से मैंने चारों तरफ कर लिया, बस ध्यान रखना अप एंड डाउन, यहाँ पे अगर अप है तो यहाँ डाउन होगा, यहाँ अप है तो डाउन अप डाउन, और ठीक इसके राइट और लेफ्ट में इसके अपोजिट होगा, यहाँ अप होगा तो यहाँ डाउन होगा, यहाँ डाउन, बस इसी बात का ध्यान रखना है। अब हम यहाँ सेंटर में बनाएंगे, ये जो सेंटर में इसे भी हमें इसी तरह से लाइन बाय लाइन बनाते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीडल को इस तरह से निकाल लिया है, फिर यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करना है।
फिर सेम इसी तरह से यहाँ पे राइट में निकालेंगे और इस तरह से हमें लेफ्ट में डाउन करना है। बस यही पहले स्टेप में हमें यही करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें एक ही डायरेक्शन का अगर लाइन लेना है, इस तरह से हमें स्ट्रेट लेना है तो हमें राइट टू लेफ्ट बस लाइन को बनाना है, एक बार राइट तो एक बार लेफ्ट। फिर से हमें यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया, लेफ्ट में निकालते हुए राइट में नीडल को डालना है, और जब हम इस तरह से राइट में निकालेंगे तो फिर हमें लेफ्ट में नीडल को डालना है। तो बस इसी तरह से हमें ये सेंटर का पार्ट भी बना लेना है, एक बार राइट टू लेफ्ट फिर एक बार अप टू डाउन नीडल को निकालना। तो अभी सिर्फ हमें राइट टू लेफ्ट जाना है या लेफ्ट टू राइट आना है, और सेकेंड स्टेप में हम अप एंड डाउन करेंगे। बस ध्यान रखना है हमें कि एक बार अप तो एक बार डाउन, एक बार अप तो एक बार डाउन। फिर से मैंने यहाँ पे निकाल लिया यहाँ पे इस तरह से, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, इस तरह से राइट में नीडल को डालेंगे, फिर से हमें राइट में एक बार डालेंगे और फिर एक बार राइट में निकालेंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट में मैंने नीडल को इस तरह से डाल लिया। तो बस इसी तरह से देखिए हमें पूरा बना लेना है सेंटर का पार्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने राइट टू लेफ्ट पूरे लाइन को कंप्लीट किया। अब हमें अप एंड डाउन करना है, तो इस तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया, और सिर्फ हमें अब अप एंड डाउन करना है। तो इस तरह से मैंने डाउन में निकाल लिया है, अब हमें यहाँ से यहाँ जाना, तो हम पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से फिर यहाँ पे अप में डालेंगे और नीडल को डालेंगे, फिर हमें अप में ही निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, डाउन की तरफ आएंगे, तो जब हम डाउन में आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर फिर नीचे, हमें सिर्फ ये अप एंड डाउन देखना है। तो देखिए यहाँ डाउन है तो यहाँ अप है तो यहाँ डाउन होगा। फिर हमें यहाँ से अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे, यहाँ पे डाउन करेंगे और यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है, और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें अप एंड डाउन। तो ये देखिए ये मेरा यहाँ पे डाउन है यानी यहाँ अप होगा, यहाँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो देखिए अप एंड डाउन करते हुए ध्यान रखना कि हमें थ्रेड को टाइट रखना, फिर हमें यहाँ डाउन करते हुए अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सेम इसी तरह कैसे देखिए यहाँ डाउन है तो यानी यहाँ अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, डाउन अप डाउन। तो फिर हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए फिर डाउन में ही नीडल को हम निकालेंगे, और फिर यहाँ से हमें फिर से अप एंड डाउन काउंट करना, यानी अप डाउन अप डाउन अप और ये डाउन, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, और फिर इसी तरह से यहाँ डाउन है तो ये अप होगा, फिर डाउन अप एंड डाउन करते हुए फिर से हमें यहाँ आना। तो देखिए फिर हमें यहाँ नीडल को डाउन करना है, और फिर अब हम यहाँ आएंगे इस कॉर्नर में आएंगे। बस इसी तरीके से देखिए अब हम जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ पे डाउन है यानी यहाँ अप होगा, जब यहाँ अप होगा तो ये डाउन होगा, फिर ये अप होगा, फिर ये डाउन होगा। तो बस इसी तरह से काउंटिंग करते हुए हमें बनाते जाना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो बस इसी तरीके से देखिए ये डाउन है तो ये अप होगा, फिर ये डाउन अप। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना अप एंड डाउन का ही। फिर से हमें यहाँ से यहाँ जाना, तो फिर से डाउन अप, फिर हम यहाँ नीडल को डाउन करेंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है,
और यहाँ से भी इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करना है। यहाँ पे इस तरह से हमें डाउन करेंगे, फिर अप करेंगे, फिर डाउन करेंगे, फिर अप करेंगे, फिर यहाँ डाउन करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, बस हमें अप एंड डाउन करना है लाइन बाय लाइन। देखिए इस तरह से, तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से पूरा पहला और दूसरा स्टेप बना लिया है। तो आज मैं आपको यहीं तक बताऊंगी, इसका तीसरा और चौथा स्टेप जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।